व्यापार मंडल मंडी ने 13 सितंबर को आपातकालीन बैठक बुलाकर बाजार बंद करने का निर्णय लिया था, जिसके चलते आज 2 घंटे के लिए सभी दुकानें बंद रही। जो प्रवासी लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल में आ रहे हैं, सरकार उनके बारे में सख्ती बरते, उनको यूनिक आईडी नंबर जारी करे, जिससे हिमाचल की शांति प्रभावित न हो, यही मांग व्यापार मंडल कर रहा है। उधर दुकानदारों का कहना है कि वे सभी व्यापार मंडी के साथ हैं, इसलिए दुकानें 11 बजे के बाद ही खोली गई। वहीं खरीदारी करने शहर पहुंचे लोगों को जब सुबह 10 बजे दुकानें बंद दिखी तो वे निराश जरूर हुए, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद जब 11 बजे दुकानें खुलना शुरू हुई तो उन्होंने राहत की सांस ली। जो व्यापार मंडल ने बोला है 9 से 11 दुकानें बंद रखनी, हमने वैसा ही किया, हमने दुकानें बंद रखी, जैसे हमारे को बोले कि हम वैसे ही चलेंगे, जो व्यापार मंडल बोलेगा वही करेंगे, हम व्यापार मंडल के साथ है, उन्हीं के साथ रहेंगे। मंडल का जो है यहाँ पर मस्जिद के लिए जो है उसका आह्वान किया हुआ है, व्यापार मंडल ने 9 बजे से 11 बजे तक हमारी दुकान है, सारी मेरी कपड़े की दुकान है, और 9 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी, और उसके बाद जो है यहाँ शांतिपूर्ण माहौल से जो है हम चाहते हैं सारा काम हो और आगे भी जो है शांति बनी रहे, यही हमारी इच्छा है। बैंक से आया हूँ और टेलरिंग का सामान लेने के लिए आया हूँ, अभी दुकानें 11 बजे खुलेगी तो मैं 11 बजे तक दुकान खोलने का इंतजार कर रहा हूँ। आपको बता दें कि व्यापार मंडल मंडी द्वारा प्रवासियों के पंजीकरण करने की मांग को लेकर आज 2 घंटे के लिए सभी दुकानें बंद रही। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक शहर की सभी दुकानें बंद रहने से सुबह खरीदारी करने शहर पहुंचे लोगों को निराशा जरूर हुई, लेकिन 11 बजे दुकानें खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। पंजाब के सी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।